बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो दिल्ली बेस्ड है, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो फैमिली वाइज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनके फादर बिजनेसमैन है और उनकी मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही है, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दिल्ली से करी और उसके बाद जब वो बॉम्बे पहुंची तो वो इतनी रॉ थीं कि डायलॉग बोलते बोलते वो इस वजह से चुप हो जाती थीं क्योंकि जब सीन रोल हो रहा होता था तो उस समय जो कट 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 की आवाज़ आती है वो सुनकर वो ये कहती थी कि ये कहीं से शोर आ रहा है और ये शोर को बंद करिए तब मैं डायलॉग कंटिन्यू करती हूँ, इतनी रॉ थी। लेकिन आज की डेट में बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं और इन्होंने जितना भी बॉलीवुड में काम किया है वो काम नोटिसेबल रहा और लोगों ने इन्हें पसंद किया, अपनी एक ख़ास जगह ये बॉलीवुड में बना चुकी हैं। डॉली के कैरेक्टर से फिल्म ओए लकी लकी ओए से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज गिनी जाती हैं बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक। जी हाँ, आज बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के बारे में। ऋचा चड्ढा एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। कॉमेडी फिल्म ओए लकी लकी ओए जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के साथ उन्होंने बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का काम भी किया। उनकी वो फिल्में जिनके जरिए उन्हें सफलता मिली वो हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम तो कह कह के थक गए, आदमी तो ये गलत पैदा हो गए हैं, घोड़ियों का अस्तबल में अकेला घोड़ा होना चाहिए था, और साल 2017 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म फुकरे रिटर्न्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का जन्म 18 दिसंबर 1986 को सोमेश चड्ढा और कुसुम चड्ढा के घर एक सिख परिवार में हुआ। इनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और इनकी माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने दो किताबें लिखी हैं और जो गांधी स्मृति के साथ भी काम करती हैं। साल 2002 में दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ऋचा चड्ढा ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से सोशल कम्युनिकेशन मीडिया में डिप्लोमा लिया। दिल्ली में थिएटर और छोटा मोटा काम करने के बाद ऋचा चड्ढा ने मुंबई जाने का फैसला लिया और साल 2008 में उन्हें दिबाकर बैनर्जी की फिल्म ओए लकी लकी ओए में डॉली का किरदार ऑफर हुआ। लकी, मैं जानती हूँ तू मुझे लव करता है, तू मुझे समझता है। डॉली। इसके बाद वो साल 2010 की कॉमेडी फिल्म बेनी एंड बबलू में फेडोरा के रूप में दिखाई दी। इस बीच उन्होंने कन्नड़ फिल्म निर्दोषी में भी काम किया जो लगभग 3 साल की देरी के बाद साल 2010 में रिलीज हुई। साल 2012 में ऋचा चड्ढा ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म को 65वें कांस फिल्म महोत्सव में प्रीमियर किया गया जिसके बाद ऋचा चड्ढा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहना मिली। इसके बाद ऋचा चड्ढा की अगली फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल, जिसमें उन्होंने नगमा खातून की भूमिका निभाई। इस फिल्म को भी कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया और उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला। साल 2013 में ऋचा चड्ढा ने काम किया फिल्म फुकरे में जिसमें उन्होंने भोली पंजाबन का किरदार निभाया। भोली पंजाबन चिड़िया नहीं, चील है, कॉफिन में आखिरी। इसके बाद ऋचा चड्ढा नजर आई संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रास लीला रामलीला में और इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। साल 2014 में ऋचा चड्ढा ने फिल्म तमंचे में काम किया। अच्छा एक बात, चुप कर, मुंह में टॉफी लेके चूस, साला चप्पल चोर। इस फिल्म के लिए भी उन्हें काफी सराहना मिली। बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने करियर में अलग अलग तरह के रोल्स एक्सेप्ट किए और उनको बखूबी निभाया भी। वो बॉलीवुड में अपनी पहचान एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर तो नहीं बना पाई लेकिन उनको बॉलीवुड में एक काबिल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है।
समय के साथ साथ वो बार बार अपनी ड्रेसेस और अपने बढ़ते वेट को लेकर ट्रोल होती रहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार बॉलीवुड में काम करती रहीं और आज की डेट में वो एक मुकाम बना चुकी हैं जहां पर ऋचा चड्ढा के नाम को लोग जानते हैं। इसके बाद ऋचा चड्ढा ने कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया जिनमें वर्ड्स विद गॉड्स, मसान, मैं और चार्ल्स, चौक एंड डस्टर, सरबजीत, जिया और जिया और फुकरे रिटर्न्स। ऋचा चड्ढा ने 2017 में एक वेब सीरीज इनसाइड एज में भी काम किया। कल सुबह मुंबई मैवरिक्स गुजराल ग्रुप के साथ अग्रीमेंट साइन करेगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस मिस मलिक। गुड, गेट इट डन। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऋचा चड्ढा फिल्मों के अलावा और किस तरह के काम करती रहती हैं। साल 2014 में उन्होंने एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एड कैंपेन के लिए काम किया। उसी साल उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक भी किया और ट्रिवियल डिजीजेस नामक एक नाटक में भी काम किया। हालांकि ऋचा चड्ढा शाकाहार का समर्थन करने वाले पेटा के विज्ञापनों में दिखाई देती हैं, लेकिन वही ऋचा चड्ढा महाराष्ट्र में गौमांस के प्रतिबंध का विरोध भी करती हैं। इन सब के अलावा ऋचा चड्ढा ने मिनट मेड, टाटा स्काई, आर्चीज गैलरी, वर्जिन मोबाइल्स और कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स के एड फिल्म्स किए हैं। अगर अवार्ड्स के बारे में बात करें तो ऋचा चड्ढा को फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला है और इसके अलावा फिल्म मसान के लिए उन्होंने जीता एडिटर्स चॉइस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर स्टारडस्ट अवार्ड। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के लव अफेयर्स की अगर बात करें तो वो एक फ्रेंच एक्टर डायरेक्टर फ्रैंक को डेट कर रही हैं।